अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी इलस्ट्रेटर मास्टर क्लास की 16th वीडियो है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेडोज। किस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स के शेडोज दे सकते हैं अपनी ऑब्जेक्ट के ऊपर। यानी एक होता है हमारे पास लॉन्ग शेडो, यानी जो नीचे की तरफ आ रहा होता है आपके ऑब्जेक्ट से नीचे की तरफ, यानी किसी भी साइड पे आप डाल सकते हैं उसको। और एक जो हमारा फेड होके आ रहा होता है शेडो, वो किस तरह से आप डाल सकते हैं। और एक जो नॉर्मली हम इफेक्ट्स के अंदर से जाके अपना ड्रॉप शेडो लगाते हैं वो। तो किस तरह से आप इन शेडोज को यूज कर सकते हैं, किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम शेडो देंगे, वो आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप मेरे पास देख सकते हैं एक फाइल ओपन है जिसमें मुख्तलिफ वेब आइकन्स हैं, जैसे यहाँ पे क्रोम का और स्नैपचैट, इस तरह से ट्विटर। तो मुख्तलिफ आइकन्स मेरे पास यहाँ पे है। इस सैम्पल फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके और इसमें से कोई सा भी आइकन यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, मैं भी यहाँ पे इनमें से कोई सा भी ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे एप्पल है, इसको आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्विटर का ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं इस ट्विटर के आइकन को अलग अलग आर्टबोर्ड्स के ऊपर यहाँ पे रख देता हूँ ताकि हम हर आर्टबोर्ड के ऊपर जाके डिफरेंट टाइप का शेडो अप्लाई कर सकें। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास तीन आर्टबोर्ड्स हैं और तीन आर्टबोर्ड्स के ऊपर मैंने मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स यहाँ पे दे दिया, यानी एक ही बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे इस कलर का दे दिया। आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा भी आइकन्स को यूज कर सकते हैं। तीन टाइप के शेडोज हम देखने वाले हैं। तो तीन मैंने आर्टबोर्ड्स बनाए हैं यहाँ पे और हर आर्टबोर्ड के ऊपर मैंने वही लोगो रख दिया। आप डिफरेंट लोगो भी रख सकते हैं, कोई सा भी आइकन आप अपना भी चूज कर सकते हैं। आपका जो अपना लोगो है उसका भी आप शेडो बना सकते हैं यहाँ पे। मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट है ये, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे इसके ऊपर हम शेडो देंगे। अभी ये बिल्कुल फ्लैट आइकन है, यानी कोई इसमें डेप्थ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसके ऊपर हम एक शेडो बनाएंगे ताकि इसकी एक डेप्थ आ जाए यहाँ पे। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इस ट्विटर के लोगो को और ड्रॉप शेडो को हम इफेक्ट्स से जाके अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो आपने इसको सेलेक्ट रखना है और यहाँ पे, और उसके बाद मेन्यू बार से अंदर यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर जाना है। इफेक्ट्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे स्टाइलाइज एंड देन यहाँ पे ड्रॉप शेडो, ये आपके पास है। लेकिन मैं यहाँ पे न्यू वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो उसके लिए आपको यहाँ पे राइट साइड में भी ये ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी पैनल के अंदर ये एफएक्स का बटन दिया हुआ है। एफएक्स का मतलब ही यही होता है इफेक्ट्स। तो यहाँ पे चूज एन इफेक्ट, इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास वही तमाम ऑप्शन आ गए जो ऊपर मेन्यू बार के अंदर इफेक्ट्स के अंदर आते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे स्टाइलाइज के अंदर जाकर यहाँ से ले सकता हूँ, यानी सिंपली इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शेडो। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास अभी एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, यानी यहाँ पे आप देखें तो ये है ड्रॉप शेडो का पॉपअप। तो इसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज आपसे पूछी गई हैं कि कौन सी वैल्यू आप रखना चाह रहे हैं, किस तरह से आप अपना शेडो दे रहे हैं। यहाँ पे एक्स ऑफसेट आपको बताना होता है, यहाँ पे वाई ऑफसेट, और यहाँ पे ब्लर आपको बताना है कि ब्लर कितना होगा, और यहाँ पे ओपेसिटी। ओपेसिटी बाई डिफॉल्ट 75% होती है, तो मैं यहाँ पे यही रहने देता हूँ। सिंपली यहाँ पे ऑफसेट जो है एक्स, उसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको भी 1 और इसको भी 1। यहाँ से नीचे प्रीव्यू को ऑन कर लें ताकि आपको यहाँ पे साथ में दिखाता रहे कि एक्जैक्टली हमारा यहाँ पे आइकन के ऊपर किस तरह से ड्रॉप शेडो अप्लाई हो रहा था। मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, अभी हमें यहाँ पे वो दिखा रहा है कि एक डेप्थ हमारी बन चुकी है ऑब्जेक्ट की, और अभी ये ऑब्जेक्ट हमारा काफी सही लग रहा है। उसके बाद ओपेसिटी आप चाहें तो मैं यहाँ पे ब्लेंड मोड जो है वो नॉर्मल कर देता हूँ, और उसके बाद देन क्लिक ओके, मैंने ओके किया। तो अभी आप देख सकते हैं शेडो काफी अमेजिंग यहाँ पे लगा है। यानी अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट आइकन है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम ड्रॉप शेडो लगा दें तो हमें ये इस तरह से दिखता है, यानी कंट्रोल जेड और ये शेडो, और यहाँ पे ये नहीं है। यानी पहले हमें ये इस तरह से बिल्कुल फ्लैट दिखता है, और अगर मैं इस तरह से वापस से रीडू कर दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक डेप्थ आ चुकी है, और ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है यहाँ पे। यानी दूसरे आइकन्स को देखें तो बिल्कुल फ्लैट लग रहे हैं, लेकिन इसको देखें तो इसके अंदर एक डेप्थ आई हुई है यहाँ पे। तो एक तो शेडो आप ये लगा सकते हैं जो कि नॉर्मल होता है, एफएक्स से जाके आप इसको लगा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे हमारी सेकंड एग्जांपल की तरफ, और यहाँ पे हम लगाएंगे लॉन्ग शेडो। लॉन्ग शेडो आप किस तरह से लगा सकते हैं, वो बहुत ही अमेजिंग होता है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी सेकंड एग्जाम्पल है, ये सेकंड, इस ऑब्जेक्ट की मैं कॉपी ले लेता हूँ क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट से इसका शेडो क्रिएट करना है, और एक ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली हमें इसके ऊपर चाहिए होगा। तो मैं इसको इसकी ऑल्ट के साथ एक कॉपी ड्रैग करके यहाँ पे नीचे रख लेता हूँ ताकि हमारे पास बैकअप रहे। और ये वाली जो इसकी एक कॉपी हमारे पास यहाँ पे कैनवस के ऊपर है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, आई प्रेस करता हूँ मैं अपने कीबोर्ड पे आई, और यहाँ मेरा आई ड्रॉपर टूल आ गया। मैं सिंपली बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो अभी हमारा जो लोगो है इसका कलर बिल्कुल एग्जैक्ट वही बैकग्राउंड वाला हो चुका है, सिर्फ इसके ऊपर यहाँ पे एक आउटलाइन दिख रही है जो कि सिलेक्शन की नॉर्मल आउटलाइन है। तो इसको मैं सिलेक्ट रखता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास जो फिल दिया हुआ है ये फिल, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं जाता हूँ यहाँ पे ये जो आपको स्लाइडर दिखे यानी कलर मिक्सर, इस पे क्लिक करता हूँ, ये आपके पास स्लाइडर आ जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे आरजीबी का स्लाइडर है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके और एचएसबी कर लेता हूँ। एचएसबी पे मैंने क्लिक किया, अभी एचएसबी के स्लाइडर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं।
HSB यानी ह्यू सेचुरेशन ब्राइटनेस। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा डार्क कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे नीचे जो ब्राइटनेस है इसको थोड़ा सा इधर डार्क की तरफ लेके आता हूँ। अभी ये डार्क हो चुका है एंड दैट्स इट, मुझे यही चाहिए था। उसके बाद ये अभी बैकग्राउंड से थोड़ा सा डार्क वर्जन है और नीचे हमारी ये एक कॉपी यहाँ पे पड़ी हुई है जिसको हम इसके ऊपर रख के बाद में अपने ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे। यानी अपेयर तभी होगा जब हम ओरिजिनल आइकन इसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक डार्क वर्जन तो बन चुका है, अब हमें इसे डुप्लीकेट करना है यानी इसकी कॉपीज जनरेट करनी है। तो मैं इस पर इसको इस तरह सेलेक्ट रखूंगा और उसके बाद जाऊंगा ऊपर मेन्यू बार से, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ईच का हमारे पास ऑप्शन है, उसको मैं जाऊंगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ईच, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये पॉपअप आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर से यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो मैं यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है मूव वो भी 1 कर देता हूँ और यहाँ पे ये भी वर्टिकल भी 1। देन मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, ये आपने याद रखना है, ओके नहीं करना, आपने कॉपी करना है। जैसे मैं कॉपी करूंगा तो एक उसने नीचे की तरफ उसकी एक कॉपी जनरेट कर दी। अगर मैं यहाँ पे इसको जूम करके कंट्रोल वाई प्रेस करूँ तो अभी आप आउटलाइन मोड में आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो हैं एक्चुअली, लेकिन ये लग ऐसे रहा जैसे एक है। तो मैं वापस कंट्रोल वाई प्रेस करता हूँ और अभी ये कॉपी जनरेट इसकी हो चुकी है। अब मैं प्रेस करूंगा यहाँ पे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी, जैसे ही मैं कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊंगा तो इस तरह से ये एक शेडो बनाता जाएगा उसका नीचे की तरफ। तो मैं ज्यादा से इसका लॉन्ग सा शेडो एक बना लूंगा एंड तक, बिल्कुल एंड तक। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करता जा रहा हूँ, ये मेरी कॉपीज जनरेट करता जा रहा है। ये आपने बार बार कंट्रोल डी को प्रेस नहीं करना है, एक ही दफा करके रखेंगे और जब तक आपका ये शेडो क्रिएट ना हो जाए आपने इसको दबा के रखना है ताकि ये इस तरह से शेडो प्रॉपरली बन जाए। जब आपके पूरे कैनवस के ऊपर बन गया है इस तरह से, उसके बाद आपने बटन्स को रिलीज करना है। अभी यहाँ पे शेडो तो बन चुका है, उसके बाद हमने क्या करना है, अपने उस ऑब्जेक्ट को जिसको हमने उठा के नीचे रखा था उसको सिंपली इसी के ऊपर टॉप पर लेके जाना है। तो मैं इसको व्हाइट वाला जो हमने बैकअप रखा था इसको उठा के मैं यहाँ पे एग्जैक्ट इसके ऊपर रख दूंगा। यानी मैंने शिफ्ट के साथ उसकी नीचे कॉपी ड्रैग की थी ताकि हम शिफ्ट के साथ उसको एग्जैक्ट उसकी पोजिशन पर ले आए वापस। तो यहाँ पे ये टॉप पोजिशन है, उसके बाद ये, और ये हमारा शेडो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको नीचे दिख रहा है, एक तो मैं ये कर लेता हूँ कि ये जो तमाम कॉपीज हैं इनको मैं ग्रुप कर लेता हूँ, यानी नीचे वाली जो भी हैं इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दें, और उसके बाद कैनवस से इधर उधर जो भी है उसको हमने डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली रेक्टेंगल टूल लूँगा एम प्रेस करके और यहाँ पे अपने कैनवस के ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगा फुल पूरी ऊपर से नीचे तक। उसके बाद मैं वी प्रेस करके सिलेक्शन टूल से सब चीज़ों को सेलेक्ट करूंगा अपने कैनवस के ऊपर सब चीज़ों को, और Ctrl 7 कर दूंगा। जैसे Ctrl 7 करूंगा तो अभी हमारा ये क्लिपिंग मास्क हो चुका है और यहाँ पे ये हमारा शेडो जो है वो जनरेट हो चुका है, और बहुत ही अमेजिंगली ये हमारा लॉन्ग सा एक शेडो यहाँ पे दिख रहा है। यानी फर्स्ट देखें तो यहाँ पे ये शेडो है जो कि हमने FX से जाके दिया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। यानी नीचे की तरफ जो आपको एक शेडो दिखता है वो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, यानी सिंपली हमने उसी का डुप्लीकेट बनाया है और हमें ये इस तरह से रिजल्ट मिलता है। और उसके बाद चाहें तो यहाँ पे नीचे जो शेडो की तमाम कॉपीज आपको ये दिख रही हैं इनको आप चाहें तो यूनाइट भी कर सकते हैं, यानी पाथफाइंडर से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी पाथफाइंडर वाली तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन में, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं और इसको यूनाइट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जितनी भी हमने यहाँ पे मल्टीपल इसकी कॉपीज बनाई हैं, यानी यहाँ पे ये तमाम इसकी कॉपीज ही हैं जो कि आपको एक शेडो की शक्ल में दिख रही हैं, तो इनको यूनाइट कर देंगे तो क्या होगा, ये एक ही शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये तमाम कॉपीज नहीं रहेंगी, ये एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसमें काफ़ी आपको आसानी हो जाती है, तो उसको आप यूनाइट कर सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जो कि ये है, इसके ऊपर हम किस तरह से शेडो अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट पहले से ही एक शेडो लगा हुआ है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, यानी इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं FX के आगे जितने भी मैं इसके अंदर जाके इफेक्ट्स लगाऊंगा वो यहाँ पे शो होंगे, और इसी के आगे एक ये डिलीट इफेक्ट का बटन भी होगा, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी इफेक्ट लगाऊंगा वो डिलीट हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे यानी फेड हो की शेडो जो लगेगा हमारा, यानी ये तो बिल्कुल फ्लैट शेडो है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फेडी सा शेडो यहाँ पे हम देंगे, उसको किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो ये शेडो क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगा और इसकी हमने कॉपी नहीं रखनी यहाँ पे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट हम इसी से ही शेडो बनाएंगे। तो मैं इसको सिंपली सेलेक्ट करता हूँ, या आप चाहें तो इसकी कॉपी रख भी लें, मैं जैसे कि यहाँ पे इसकी एक कॉपी रख लेता हूँ ताकि हम बाद में इसको यूज़ कर सकें। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, आई प्रेस करके बैकग्राउंड पे क्लिक कर देता हूँ ताकि ये हमारा वही बैकग्राउंड कलर आ जाए। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे फिल पे मैं आता हूँ, यहाँ पे ये जो राइट साइड में ये फिल दिख रहा है इस पर आता हूँ और यहाँ पे इसकी जो ब्राइटनेस है उसको थोड़ा हार्ड कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा डार्क हो जाए। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये ज़्यादा डार्क हो गया, मैं इस पर जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, तो हमें थोड़ा सा ही डार्क चाहिए। तो अभी ये डार्क हो चुका है, या इसको सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कर दें ताकि सेम वैल्यू यहाँ पर आ जाए। तो ये हमारे पास एक आ चुकी है इसकी कॉपी, इसी की कॉपी मैं एक नीचे लूँगा ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ ड्रैग करके यहाँ पे,
या थोड़ा सा आप चाहें तो यहाँ पे भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ तक इसकी एक कॉपी ले ली। उसके बाद ये वाला जो नीचे वाली एक कॉपी है हमारी, इसको सेलेक्ट करूंगा, आई प्रेस करके बैकग्राउंड पे क्लिक कर दूंगा ताकि यहाँ पे ये वापस से बैकग्राउंड कलर मेरा यहाँ पे इसके अंदर आ जाए। उसके बाद यहाँ पे दो कॉपीज हैं, एक ये डार्क है एक ये लाइट है। इस डार्क वाली को सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से अरेंज एंड देन ब्रिंग टू फ्रंट। इसको हमने फ्रंट रखना है इससे, यानी ये दोनों हो सकता है ये वाला इसके ऊपर फ्रंट हो, तो उससे हम इनको परफेक्टली इनको ब्लेंड नहीं कर सकते, तो इसको ऊपर होना चाहिए, इसलिए आप इसको फ्रंट कर दें ताकि ये फ्रंट हो और ये बैक हो। तो अभी ये दो कॉपीज यहाँ पे मेरी जनरेट हो चुके हैं, एक ये डार्क है और एक ये लाइट है। अब इन दोनों को हम ब्लेंड करेंगे। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, बैकग्राउंड मेरा लॉक है इसीलिए वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मैं इस तरह से इजिली सेलेक्ट कर पा रहा हूँ इनको। तो मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद हमें जाना है ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर, जो कि हमें यहाँ पे मिलते हैं मेन्यू बार के अंदर। मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर आने के बाद नीचे यहाँ पे आपके पास दिया होता है ब्लेंड, यहाँ पे आप देखें तो आपके पास दिया ब्लेंड। इसके बाद यहाँ पे आपके पास दिया मेक, जैसे ही मैं मेक करूंगा तो वो यहाँ पे ब्लेंड कर देगा। अब उसने कम इसकी कॉपीज रखी है इसलिए हमें यहाँ पे ये इस तरह से शार्प एजेस इसके दिख रहे हैं, लेकिन हमें कॉपी ज्यादा चाहिए ताकि ये पता ना चले हमारे ये शेडो का। तो इन दोनों को मैं सेलेक्ट ही रखूंगा, ये याद रखना आपने डीसेलेक्ट इसको नहीं करना, सेलेक्ट ही रखें और दोबारा से जाएं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट के अंदर जाता हूँ और यहाँ से ब्लेंड दोबारा से एंड देन यहाँ पे ब्लेंड ऑप्शंस, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास पॉपअप आ जाता है। इसके अंदर आने के बाद मैं सबसे पहले तो ये काम कर देता हूँ कि प्रीव्यू ऑन कर देता हूँ। प्रीव्यू पे मैंने क्लिक किया, ये प्रीव्यू आ गया। उसके बाद यहाँ पे स्मूथ कलर्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्पेसिफाइड स्टेप्स, तो इस पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे 29 स्टेप्स इसके दिए हुए हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। मैं इनको इस तरह से हाईलाइट करके इनको यानी सेलेक्ट करके और अपने स्क्रॉल व्हील को ऊपर की तरफ करूंगा, तो अभी आप नीचे देख सकते हैं मेरी कॉपीज जो है वो इंक्रीज हो रही हैं। जैसे मैं इसको इंक्रीज करता जाऊंगा और एट द एंड हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि ये बिल्कुल आपस में ब्लेंड हो जाएगा ताकि इसकी शार्प कॉर्नर्स जो है वो मिल जाएं और ये ज्यादा पता ना चले। तो मैं यहाँ पे आई थिंक 135 कर देता हूँ, यही बेस्ट है। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे ओके कर दूंगा। जैसे मैंने ओके किया तो अभी हमारा ये बहुत ही स्मूथ सा शेडो, यानी यहाँ पे डार्क है और इसमें ब्लेंड होता हुआ ये नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे ये कलर हमारा चेंज हो रहा है, यानी ये ग्रेडियंट टाइप का यहाँ पे बन चुका है, यानी डार्क से लाइट की तरफ ग्रेडियंट है। तो अब इन सबको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इनको ग्रुप कर देता हूँ मैं। तो अभी मैंने इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस कर दूंगा तो ये ग्रुप हो जाएंगे। अभी ये ग्रुप हो चुका है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे कॉपी रखी थी इसकी, इसको लाके हम इसके ऊपर सेट कर देंगे और ये हमारा एक फेडी सा शेडो यहाँ पे बन जाएगा। मैं इसको फ्रंट करता हूँ और इसको उठा के यहाँ पे एग्जैक्ट उसी जगह पे रख देता हूँ जहाँ से इसे उठाया था। तो यहाँ पे ये स्नैप कर रहा है और मुझे पता चल रहा है कि ये एग्जैक्ट उसी जगह पे है। अभी आप देखें तो यहाँ पे नीचे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमें डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ पे इसके ऊपर एक बड़ी सी रेक्टेंगल बना देता हूँ और उसके बाद मैं वी प्रेस करके और सब कुछ सेलेक्ट करूंगा इस कैनवस के ऊपर और Ctrl 7 प्रेस कर दूंगा। तो ये हमारा शेडो यहाँ पे फेडी सा शेडो यहाँ बन चुका है, यानी फेड होके नीचे की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे इसको देखें तो ये बिल्कुल फ्लैट और मिनिमल सा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये इसके अंदर एक ग्रेडियंट टाइप की हमें चीज दिख रही है, तो इसीलिए ये थोड़ा फेड होके दिख रहा है क्योंकि हमने इसको ब्लेंड किया है। यानी एक डार्क कॉपी को और एक लाइट कॉपी को अगर आप आपस में ब्लेंड कर दें और उनकी जो स्टेप्स हैं उनको इंक्रीज कर दें तो वो आपको एक ग्रेडियंट टाइप का दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने तीन टाइप के शेडोज जो है वो क्रिएट किए हैं, एक जो हमने इफेक्ट्स के अंदर जाके यहाँ पे नॉर्मल शेडो इसके ऊपर अप्लाई किया और यहाँ पे ये हमारा बिल्कुल फ्लैट शेडो है और ये हमारा जो है वो फेडी सा शेडो है यहाँ पे जो फेड होके बिल्कुल इसके साथ यानी मैच हो रहा है, एक डार्क कॉपी और एक लाइट कॉपी। इस तरह से आप इजीली डिफरेंट टाइप्स के शेडोज क्रिएट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।